हेलो स्टूडेंट्स, आरसीआई एजुहब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे व्यावसायिक संगठन के स्वरूप, जिसमें हम एकाकी व्यापार पढ़ रहे थे। एकाकी व्यापार में मैंने आपको बताया था कि एकाकी व्यापार वह व्यापार होता है जिसका प्रबंध, संचालन और नियंत्रण एक अकेला व्यक्ति करता है, उसे एकाकी व्यापार कहते हैं। एकाकी व्यापार में समस्त लाभ प्राप्त करता अकेला व्यक्ति होता है। वह यदि हानि हो तो संपूर्ण हानि को वहन करता भी अकेला व्यक्ति होता है। इसलिए एकाकी व्यापार में व्यापारी का दायित्व असीमित होता है। असीमित दायित्व के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि असीमित दायित्व वह दायित्व होता है जिसमें व्यापार में यदि हानि हो जाए तो हानि की दशा में हानि की भरपाई के लिए यदि व्यापार की संपत्तियां पर्याप्त नहीं रहती हैं तो व्यापारी को अपनी निजी संपत्ति बेच करके भी हानि की भरपाई करनी पड़ती है या ऋणदाताओं का भुगतान करना पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे एकाकी व्यापार की विशेषताएं या एकल स्वामित्व व्यवसाय की विशेषताएं। प्यारे विद्यार्थियों, एकल स्वामित्व व्यवसाय की प्रथम विशेषता है निर्माण एवं समापन आसान। निर्माण एवं समापन आसान। एकाकी व्यापार में व्यापार का निर्माण और समापन आसान होता है, अर्थात व्यापारी जब चाहे अपने व्यापार को शुरू कर सकता है और जब चाहे उसका समापन कर सकता है, अर्थात उसे बंद कर सकता है। एकाकी व्यापार को शुरू करने के लिए व्यापारी को ज़्यादा वैधानिक औपचारिकताओं का पालन नहीं करना पड़ता है। वह अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे व्यापार को शुरू और जब चाहे उसे बंद कर सकता है। इसलिए पहली विशेषता निर्माण और समापन आसान होता है। दूसरी विशेषता है दायित्व। एकाकी व्यापार में व्यापारी का जो दायित्व होता है वह मैंने आपको बताया था असीमित दायित्व होता है। असीमित दायित्व का मतलब है कि एकाकी व्यापार में यदि व्यापार की हानि की भरपाई के लिए व्यापार की संपत्तियां पर्याप्त नहीं होती हैं तो व्यापारी को अपनी निजी संपत्ति बेच करके भी अपने दायित्व को पूरा करना पड़ता है। तीसरी विशेषता है लाभ प्राप्त करता तथा जोखिम वहन करता। एकाकी व्यापार में अकेला व्यापारी लाभ प्राप्त करता होता है और अकेला व्यापारी ही जोखिम वहन करता होता है। व्यापार में जितना भी लाभ होगा स्वयं अकेला व्यापारी प्राप्त करेगा और जितनी भी हानि होगी या जोखिम होगी उसे भी वह स्वयं अकेला ही वहन करेगा। तो इस प्रकार से आज हमने पढ़ा एकल स्वामित्व व्यवसाय की विशेषताएं। प्यारे विद्यार्थियों, तीन विशेषताएं आज हमने पढ़ी है, निर्माण एवं समापन आसान, एकाकी व्यापार में इसको शुरू करने के लिए ज़्यादा वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा नहीं करना पड़ता है, इसलिए व्यापारी इसको जल्दी से शुरू कर सकता है या जल्दी से इसका निर्माण कर सकता है और इसका समापन भी आसानी से कर सकता है। दूसरा है दायित्व। एकाकी व्यापार में व्यापारी का जो दायित्व है वह असीमित होता है, अर्थात यदि हानि हो गई और हानि की दशा में व्यापार की संपत्तियां पर्याप्त नहीं है तो उसे अपनी निजी संपत्ति बेच करके भी हानि की पूर्ति करनी पड़ेगी। तीसरा है लाभ प्राप्त करता तथा जोखिम वहन करता। एकाकी व्यापार में समस्त लाभ प्राप्त करता अकेला व्यक्ति होता है, वह समस्त जोखिम वहन करता भी अकेला व्यक्ति होता है।